हेलो फ्रेंड मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फोड़यू में आपका स्वागत है यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं और इस पद के लिए मैं आपको लेकर आया हूं वेबसाइट पर जहां से मैं बताऊँगा कि कुल जो डिटेल जानकारी है जैसे क्वालिफिकेशन एज लिमिट से रिलेटेड अप्लीकेशन शुल्क से रिलेटेड और ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड सभी डिटेल जानकारी मैं आज ये वेबसाइट से ही आपको बताऊंगा इस पे वेबसाइट पर लेकर आने का एक ही उद्देश्य है कि इससे मुझे दिखाना है कि आप ऑनलाइन अपलीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे तो इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर और जहाँ से मैं बताऊँगा कि आपको अप्प्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है तो देखिए जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा इसके पास हम इस तरह से इसको करके नीचे आएंगे यहाँ पर आते हैं तो लाइब्रेरियन का पद है यानी लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित हैं जिसे हम लाइब्रेरियन के नाम से जानते हैं और कुल दो पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है सैलरी भी अच्छी है अट्ठारह हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी है इसके साथ में एच भी आपको मिलेगा तो इसलिए सैलरी अच्छी है लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है यह जो वैकेंसी आई है ए आर आई ई एस में आया है यानी जो है ऑटोनॉमस साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ यह जो वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है और एज लिमिट जो अधिकतम है तीस साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्लेस आप पोस्टिंग की बात करें तो ए आर आई ई एस में ही पोस्टिंग आपको मिलने वाला है इसके बाद इस पद के लिए हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए तो देखिए ग्रेजुएशन फ्रॉम यूजीसी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है और इसके अलावा बेचलर ऑफ़ लाइब्रेरी इन इन्फॉर्मेशन साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन साइंस इतना ही क्वालिफिकेशन दी गई है क्वालिफिकेशन देखा जाए तो मिनिमम कम ही है एक तरह से क्योंकि इसमें कोई परसेंटेज का अबाउडेशन नहीं है फिर भी यू का जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में आपको रखना है जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो देखिए लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए जो भी पद होती है लाइब्रेरी में सारे काम कराए जाते हैं तो इसलिए आपको भी लाइब्रेरी के सभी कार्य आपको करना है टीम वर्क के साथ में इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दी गई है तो इसमें यही है टर्म्स एंड कंडीशन में कि केवल इंडियन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दूसरी बात किया जो वैकेंसी है प्योरली कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है आप फ्यूचर में सरकारी नौकरी के लिए क्लेम नहीं करेंगे और तीसरी बात है कि इसमें जो एज लिमिट है और जो क्वालिफिकेशन एक है एक्सपीरियंस है ये जो डिटेल जानकारी है वो ए आर आई ई एस के वेबसाइट पर अपलोड है तो ये सब डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं और इसके बाद अंतिम जो इम्स में हम बात करें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सिक्स मंथ के लिए आपको अपॉइंटमेंट होगा लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो यह डेट और आगे बढ़ाया जाएगा इस बात को विशेष ध्यान रखना है तीसरी बात कि इसमें जो दी गई है कि कोई भी टी ए डी डे नहीं है यदि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आपको बुलाया जाएगा तो कोई भी टी ए डी डे नहीं है अब हम बात करते हैं और भी इसमें डिटेल जानकारी है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो देखिए आप यदि इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दी गई है कि आपको एक जो कल क्यूरिकुलम वेट बोलते हैं जिसको रिज्यूम बोलते हैं अपडेट रिज्यूम बनाना है और रिज्यूम बनाने के उपरांत आपको अपलोड करना पड़ेगा रिज्यूम अभी अपलीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस मैं बताऊंगा और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं इंटरव्यू में जो भी जब आप अपीयर होंगे तो ये सारी डिटेल जानकारी आपको लगेगा अब यहाँ पर एक नोट दिया है तो यह तो सब डिटेल जानकारी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन अपलीकेशन फॉर्म की तिथि के बारे में तो देखिए अट्ठाईस जून दो तक आप ऑनलाइन अपलीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है अप्लाई नाउ का आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक लिंक दिखा रहा है तो इस तो अप्लाई नाव पे क्लिक करना है और यदि किसी प्रकार की आपकी ऐसे कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो यहाँ पे इंक्वायरी के लिए नंबर दी गई है यानी जीमेल आई दी गई है इस जीमेल आई से आपको कॉन्टैक्ट करना है तो सबसे पहले हम अप्लाई नाव पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है एक नॉर्मल सा फॉर्म है लाइब्रेरी इंटर्नशिप के लिए देखिए पहले आपको पर्सनल डिटेल भरना है उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसके बाद डिक्लेरेशन है इसके बाद से प्रिव्यू आप करेंगे यानी देखेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है और लास्ट में आपको यह है कंप्लीट अप्ली्लीकेशन फॉर्म मिलेगा तो आपको अपलीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट इस वीडियो पर कमेंट करेंगे मैं अपलीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बनाऊंगा एक नॉर्मल सा ये अपलीकेशन फॉर्म दी गई है जिसमें क्वालिफिकेशन सब डिटेल जानकारी और एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको फिल करना है और लास्ट में यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर कैप्चर डालकर और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है और आगे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड का मिलेगा तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं अब ज़्यादा पंद्रह था तो मैं अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको दिखा देता लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर इस पद के लिए अपलीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तो गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मैं जो वीडियो बनाता हूँ केवल आपके लिए बनाता हूँ तो आप वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करें या डिसलाइक करें दोनों में से कोई एक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे क्योंकि इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है यह वीडियो है सरकारी नहीं है बट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं